जय गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी वाहन गाड़ी में। फिर से हाजिर होते नई जानकारी। एक व्यक्ति के कितने गुरु हो सकते हैं? गुरु मंत्र और गुरु की शक्ति। बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में एक प्रश्न उमड़ता है कि मैं कितने गुरु बना सकता हूँ और कितने गुरुओं के सिनिधि में चल सकता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूंगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आयो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियो अच्छे से देखना, लाइव स्ट्रीमिंग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, बाकी की सर्विस पेड है, साधना के अनुसार मेरा भोग प्रसाद रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। एक व्यक्ति कितने गुरु बना सकता है? मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति का जैसे बाप एक होता है वैसे गुरु भी एक ही होगा और गुरु मंत्र भी एक होगा। दो गुरु मंत्र किसी व्यक्ति के नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति दो गुरुओं के सानिध्य में चलता है अथवा दो दो गुरु मंत्रों का जप करता है तो मैं आपको बता दूं खिचड़ी बन जानी है, साधना का कोई फल उसको प्राप्त नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले गुरु धारण कर रखा, दूसरे गुरु से जब दीक्षा लेते हैं तो वो बताते नहीं है मैंने गुरु बना रखा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दूसरे गुरु को भी नहीं बताया कि मेरा पहले से गुरु बन रहा था। दोनों गुरुओं की पहले तो फटकार लगती है, तो व्यक्ति कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु को धोखा देना उसे सतगुरु को धोखा देना, गद्दी पे बैठी शक्ति को धोखा देना। कभी ना कभी गुरु को इस चीज का आदेश हो जाना, खैर गद्दी पे बैठी हुई चीज को तो आप धोखा नहीं दे सकते हो। एक व्यक्ति एक ही गुरु के सानिध्य में चल सकता है। हाँ, वो ज्ञान किसी अज्र व्यक्ति से प्राप्त करता है तो गुरु के साथ डिस्कस करता है उस मैटर पे, गुरु महाराज मुझे ये मंत्र मिला आपकी आज्ञा है तो क्या मैं इसको जप सकता हूँ? गुरु आज्ञा करते हैं हाँ जप सकते हैं तो जप सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दो गुरुओं के सानिध्य में चलता है तो गड़बड़ी कहाँ पे होती है? जब एक साथ भी गुरु होता है कि तामसी गुरु होता है, यानी एक के पास मान लो वाइट इलम है, वाइट इलम मीन बोल सकते हैं कि उसके पास देवताओं की शक्ति है, दूसरे के पास जो है वो चंडालों भूतों प्रेतों की शक्ति है। दोनों में जो है वो बोलते ना झगड़ा होगा। कैसे झगड़ा होगा? जब एक बोलते ना चेला उसी पहले देवता वाले गुरु का मंत्र जप रहा है, अब देवता आगे खड़े हो रहे हैं, अब दूसरी तरफ से दूसरे गुरु का मंत्र जपता है तो आपस में जो है उनकी शक्तियां जो आपस में भिड़ जाती हैं, क्योंकि देवता नेगेटिव को नहीं आने देगा, नेगेटिव शक्ति देवता के नाम से थर थर कांपती है। और दोनों गुरुओं के गद्दी पे भी जाके ये चीज का आदेश कभी ना कभी होगा और दो गुरु जो है जब आपस में भिड़ जाएंगे तो उसका जो दुष्परिणाम है वो चेले को भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति का एक ही गुरु होता है, एक ही गुरु मंत्र होता है जो सदा ही गुप्त होता है। वो गुरु मंत्र अपने किसी व्यक्ति को नहीं बताता है, चाहे जितना मर्जी विवश हो। वो गुरु मंत्र सिर्फ अपने मन में ही रखता है। गुरुओं की जो वाणी होती है कान में पड़ी होती है, क्योंकि गुरु जब आपको कान में मंत्र दे देता है तो वो कान में यानी कि गुरु ने मात्र आपको किसी चीज का प्रवेश आपके शरीर में करवा दिया है। गुरु ने प्रवेश शरीर में करवा दिया। वो गुरु मंत्र जब आप किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हो तो वो प्रवेश जो है बाहर निकल जाता है, तो गुरु का मंत्र काम करना बंद कर जाता है। इसीलिए ही गुरु बोलता है कि मेरे द्वारा दी गई शक्ति और मेरे द्वारा दिया गया मंत्र मेरी विदाउट परमिशन किसी भी चीज, आप बोलते हैं ना कि चेला हो, भक्त हो, गुरु भाई हो, किसी की आज्ञा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मात्र आपने अपना जो ज्ञान है वो आप ज्ञान बांट सकते हो, लेकिन मंत्रों का आदान प्रदान आप नहीं कर सकते हो। बाकी का अनुभव आपने गुरु के साथ ही बांटना पड़ता है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला गुरु नहीं है, किसी के जा से बाकी सर्विस पेड़ा देश जाए गुरु।